Hi everyone, welcome to my channel and welcome to another video. I hope you all are doing great. So first of all, I'm so sorry ki 7 days se maine kuch bhi upload nahi kiya because I had this like severe throat ache. I had a sore throat and bilkul cure nahi ho raha tha. So I was like, you know, what's happening? I just couldn't film. I was feeling so bad, but now I'm better and I'm back. To maine socha ki ek Amazon haul kiya jaye. Amazon pe you know kafi zara fresh collection aaya hai summer ke liye and I wanted to share with y'all some casual kurtis या daily wear kurtis and tunics जो आप college के लिए office के लिए daily wear के लिए पहन सकते हैं. With this I also got footwear, makeup, skincare, etc. So it's going to be a huge haul. Plus Amazon पे यू नो थोड़ा बहुत discount and sale भी चल रहा है on their indie brands जहाँ पे आपको minimum 50% off मिलेगा and also they have some amazing you know discounts and offers on their skincare जो समर स्किन केयर है उस पर. सो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं. सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हॉल. सो द फर्स्ट वन दैट आई एम वेयरिंग इज दिस वन एंड ये जो है ये मैंने बीबा से लिया है. ये जो कुर्ती का ओरिजिनल प्राइस आई थिंक 2000 समथिंग के आसपास का था, बट इस पर बहुत ज़्यादा लाइक 50-70% तक का डिस्काउंट चल रहा था. दिस इज अ ट्यूनिक जो कि आप कहीं पर भी कभी भी पहन सकते हैं. मैंने इसमें लिया है साइज स्मॉल. बहुत कंफर्टेबल है ये. एक्चुअली आप देख सकते हैं कि फुल स्लीव्स का है. यू कैन वेयर इट विद जीन्स, प्लाजो के साथ भी आप डेफिनेटली इसे पहन सकते हैं. बट ये फुल स्लीव्स का होने के बावजूद इतना लूज एंड ब्रीदेबल फैब्रिक है इसका कि आप समर में तो क्या कोई भी सीजन में इसे पहन सकते हैं. प्लस इसका प्रिंट जो है काफ़ी ज़्यादा अर्थी है. कलर जो है यू नो बहुत ज़्यादा लाइक यू नो डेली वेयर टाइप का कलर है. आप डेफिनेटली इसे मेहंदी कलर आप समर में भी पहन सकते हैं. सो ये है फर्स्ट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. उसके बाद आई गॉट दिस फ्रॉम यश गैलरी. यश गैलरी हैज सम अमेजिंग लाइक फ्रेश कलेक्शन. सो ये मैंने कुछ इस टाइप से ऑरेंज कलर लिया है. दिस इज अ ट्यूनिक. अगेन आप इसे थोड़ा सा बड़ा है तो लेगिंग्स के साथ पहन सकते हैं. यू कैन ऑल्सो वेयर इट विथ प्लाजो एंड जीन्स. इस टाइप के जो ट्यूनिक्स होते हैं ना बहुत ईजी टू वेयर होते हैं. यू कैन वेयर इट विथ एनी काइंड ऑफ बॉटम वेयर. सो इसमें मैंने लिया है साइज स्मॉल. प्योर कॉटन का है, ब्रीदेबल फैब्रिक है. द कलर इज सो प्रिटी, लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल ऑरेंज कलर एंड इस पर आप देख सकते हैं वाइट प्रिंट आपको मिल जाएगा. ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है एंड अगेन वेरी ब्रीदेबल फैब्रिक. यू कैन वेयर इट एनी सीजन. उसके बाद मैंने ये लिया है फ्रॉम जनसिया. अगेन दिस ट्यूनिक इज ऑल्सो वेरी प्रिटी. आप देख सकते हैं कि मस्टर्ड कलर में है. वेरी समर अप्रोप्रिएट कलर. वी नेक के फैब्रिक में आपको मिल जाएगा. नाउ ये मतलब आप देख सकते हैं प्लेन है, बट इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा मिनिमल डिज़ाइन वर्क मिल जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द स्लीव्स, आपको शॉर्ट स्लीव्स में इस टाइप के रफल स्लीव्स मिल जाएंगे विथ अ क्रोशे बॉर्डर टू इट ओवर हियर. एंड उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो यू विल गेट लाइक दीज वुडन बटन्स एंड इसके साथ भी आपको बॉर्डर मिल जाएगा एंड पिंटक डिजाइन मिलेगा. एंड देन दिस इज शॉर्ट विथ अगेन लाइक फ्रिल वर्क गोइंग ऑन. तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी सा. इसे भी आप लेगिंग्स के साथ, प्लाजो के साथ या फिर जीन्स के साथ भी ईजिली पहन सकते हैं. फैब्रिक भी इसका काफ़ी अच्छा है, आप कोई भी सीजन में से पहन सकते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रांसपेरेंट. उसके बाद आई फॉरगॉट टू मेंशन कि ये जो मतलब आप देख सकते हैं बॉटम वेयर जो मैंने पहन रखा है सारे ऑलमोस्ट सारे आउटफिट्स के साथ, इट इज दिस वन एंड दिस इज बाय ऑरेलिया. प्लाजो है ये, रियॉन का प्लाजो है. इसमें आपको काफ़ी कलर्स भी मिल जाएंगे. आप चाहे तो बेज एंड ऑल भी ले सकते हैं, बट आई चोज अ वाइट वन ताकि नो मोस्टली सारे ट्यूनिक्स के साथ ही चल जाता है, तो मैंने ये लिया. उसके बाद समर सीजन है बट फिर भी मैंने ब्लैक चूज किया बिकॉज दिस इज अ लखनवी. सो ये जो लखनवी कुर्तीज होते हैं ना ये कोई भी सीजन में आप कभी भी पहन सकते हैं. इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, पिंक एंड रेड एंड ऑल ऑफ दोज कलर्स, बट आई लाइक दिस वन द ब्लैक. कॉटन का फैब्रिक है, कोई भी सीजन में पहन सकते हैं. एंड इस पर जो प्रिंट भी मतलब जो वर्क भी दे रखा है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी सोबर सा है. जीन्स के साथ आप बहुत इजीली इसे पहन सकते हैं. यू गेट अ ब्यूटिफुल बॉर्डर. कॉटन का फैब्रिक है तो अगेन सॉफ्ट ब्रीथेबल. एनी सीजन यू कैन वेयर दिस एंड दिस इज ऑल्सो अगेन नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल. फिर उसके बाद मैंने एक ये लिया है कुर्ती. दिस इज बाय द ब्रांड राजनंदिनी एंड दे मेक सम रियली अमेजिंग कुर्तीज एंड कुर्ता सेट्स. सो ये मैंने मीडियम साइज में लिया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल येलो कलर एंड इस पर जो प्रिंट दे रखा है काफ़ी ज़्यादा फ्लोरल है. इट इज़ वेरी वेरी प्रिटी. 3/4 स्लीव्स में आपको मिल जाएगा. दिस नॉट अ लॉट टू एक्सप्लेन बिकॉज
लाइक नॉर्मल कुर्ता है, बट उसका जो प्रिंट है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पहनने के बाद भी काफ़ी फ्रेश लग रहा था। सो राउंड नेक में है एंड यू कैन वेयर इट एनी सीजन, प्लस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है ये, पहनने के बाद भी काफ़ी यू नो कम्फर्टेबल सा है। उसके बाद आई गॉट दिस वन एंड दिस इज़ बाय द ब्रांड सोच। बहुत टाइम के बाद मैंने सोच से कुछ लिया, बिकॉज सोच पे ना मतलब मैं तभी परचेज करती हूँ जब सोच पे सेल चलता है, बिकॉज ऐसे तो उनके प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। सो ये मैंने लिया है मीडियम साइज में, आई गॉट इट बिकॉज ऑफ द कलर ना, एक्चुअली मुझे स्मॉल साइज लेना चाहिए था बिकॉज ये थोड़ा सा लूज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको गोल गला मिल जाएगा एंड इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ पेंटक वर्क, प्योर कॉटन का फैब्रिक है। स्लीव्स के लिए आपको इस टाइप के काइंड ऑफ बलून स्लीव्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको छोटा सा लाइक यहाँ पे प्रिंट डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है एंड यहाँ पे अगेन आपको छोटे छोटे प्लीट्स मिलते हैं। सो काफ़ी सिंपल सा कुर्ता है बट पहनने के बाद ही बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में। अगेन यू कैन डेफिनेटली वेयर दिस फॉर डेली वेयर एंड इसमें काफ़ी सारे साइजेस, लाइक इनफैक्ट ऑल ऑफ दिस कुर्ताज हैज अ लॉट ऑफ साइजेस, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल टू ट्रिपल एक्सएल, फोर टाइम्स एक्सएल, सो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ये लिया है एंड दिस इज अ कुर्ता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कुर्ता है इसका कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ पिंक। इसके साथ साथ ब्लैक एंड सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड इसमें जो थ्रेड दे रखा है ना, इसमें थोड़ा सा लाइक थ्रेड जो है शाइन भी करता है। राउंड नेक आपको मिल जाएगा, पूरे नेक पे आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द स्लीव्स, आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाएंगे। इसका जो फैब्रिक है ना ये मतलब कॉटन ब्लेंड में है, लाइक जैसे जूट टाइप का फैब्रिक होता है। इट इज़ अ लिटिल थिक बट नथिंग दैट आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। सो इसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्ट्रिंग भी मिलता है दोनों तरफ, यू कैन डेफिनेटली एडजस्ट इट टू योर बॉडी टाइप एंड ये कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे स्लिट भी मिल जाएगा। सो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ये जो प्रिंट है ना, ये इस टाइप का इकट टाइप का प्रिंट या फिर वीविंग है इसमें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से इट इज़ अ रियली ब्यूटिफुल पीस। इसमें आप वाइट के साथ भी पेयर कर सकते हैं एंड यू कैन डेफिनेटली वेयर इट विद ब्लैक लेगिंग्स ऑल्सो। उसके बाद मैंने यश गैलरी से ये एक ट्यूनिक लिया है एंड आप देख सकते हैं ये बंदेज में है। अगेन इट इज़ लाइक एन एवर ग्रीन प्रिंट, सो ये भी कॉटन में, प्योर कॉटन में है, डार्क कलर है बट कॉटन का फैब्रिक इसका जो दे रखा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यू गेट दीज लाइक यू नो स्ट्रिंग्स ओवर हियर एंड ब्लैक वाइट एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में है। 3/4 स्लीव्स आपको मिल जाएगा, अगेन बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, पहनने के बाद बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखता है। यू कैन एक्चुअली वेयर दिस एनी वेयर एंड एवरी वेयर। काफ़ी ज़्यादा कैजुअल सा कुर्ता है, स्पेशली ऑफिस एंड कॉलेज के लिए आप डेफिनेटली इसे ले सकते हैं एंड सिंस कॉटन का ब्रीदेबल मटीरियल है यू कैन वेयर इट एनी सीजन। सो इसे मैंने स्मॉल साइज में लिया एंड देन आई गॉट दिस कॉर्ड सेट एंड दिस आउट द कॉर्ड सेट लुक्स लाइक। सो ये मैंने स्मॉल साइज में लिया है, ब्लैक एंड व्हाइट में है। अगेन मैंने ब्लैक चूज किया बिकॉज ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने में एंड आप देख सकते हैं कि पहनने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा लाइक यू नो शीक लग रहा था। सो आई गॉट दिस वन। सो आपको इसमें काइंड ऑफ वी नेक में मिल जाएगा, 3/4 स्लीव्स है, काइंड ऑफ बलून स्लीव्स है। यू गेट दिस लाइक स्ट्रेचेबल मटीरियल ओवर हियर एंड यहाँ पे भी लाइक कमर के ऊपर भी आपको इस टाइप से स्ट्रेचेबल मटीरियल मिल जाएगा एंड देन यू हैव दिस लाइक लिटिल फ्लेयर। यू कैन डेफिनेटली वेयर दिस लाइक अ टॉप एज वेल एंड कॉर्ड सेट के साथ पहनना है तो कॉर्ड सेट के साथ भी पहन सकते हैं। इसके साथ आपको इस टाइप के पैंट्स मिल जाएंगे। मुझे इसका प्रिंट एंड कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा सो आई गॉट दिस। उसके बाद आई गॉट लाइक फुटवेयर, आई डोंट नो व्हाई आई कैप्ट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन सबके साथ एक ही फुटवेयर पहन रखा है एंड आई गॉट दिस वन, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। समर अप्रोप्रिएट फुटवेयर है ये। सो दिस इज़ हाउ द फुटवेयर लुक्स लाइक, द क्वालिटी इज़ रियली गुड। इसमें आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे एंड ये ना थोड़ा सा एथनिक टाइप का फुटवेयर है बट आप कोई भी ना ट्यूनिक एंड कुर्ता के साथ इसे पहन सकते हैं। द क्वालिटी इज़ रियली गुड एंड सोल में ना थोड़ा सा आपको लाइक यहाँ पे द सोल इज़ नॉट लाइक वेरी थिक एंड ऊपर से यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना काफ़ी अच्छा आपको रबर का ग्रिप मिल जाएगा एंड इसमें कुछ फुटवेयर में आपको दूसरे लाइक ना पैटर्न्स भी मिल जाते हैं। तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा एंड देन इट हैज़ दिस बेल्ट also over here, so काफी sturdy है ये। उसके बाद I got दिस लिप बाम ना, आई वॉन्टेड अ लिप बाम। मेरा लिनेश का लिप बाम खत्म हो चुका था, आई वॉन्टेड समथिंग जो हाइड्रेट भी करे एंड काफ़ी ज़्यादा थिक लेयर भी ना लग
मतलब लगी है लिप्स पे. सो आई फाउंड दिस हाइड्रेटिंग ऑप्शन प्लस काफ़ी अफोर्डेबल है. निविया का लिप बाम मैंने लिया है, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद लिया बिकॉज ये काफ़ी बड़ा लिप बाम है. सो 200-250 के रेंज में, वैसे तो आपको दूसरे ब्रांड्स में 4ml, 5ml तक मिल जाएगा प्रोडक्ट, बट दिस इज 20ml. सो इफ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम शेयरिंग योर लिप बाम, यू कैन ऑल्सो गेट द ओरिजिनल लाइक यू नो नॉन कलर्ड वर्जन ऑफ दिस एंड योर एंटायर फैमिली कैन यू नो यूज द लिप बाम. सो काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंसी है, समर में भी आपको लिप्स बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट करेगा. एंड यू कैन ऑल्सो बाय दिस फॉर विंटर, मतलब यू कैन यूज दिस एनी सीजन बिकॉज इट्स अ बिग पैक. आई थिंक ही मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीजन तक भी चल जाएगा अगर सिंगल पर्सन इसे यूज कर रहा है तो. दैट इज वाई आई हैड टू मेंशन कि सारे सीजन पे चल जाएगा ये. नेक्स्ट आई वॉन्ट लाइक अ रियली नाइस सनस्क्रीन एंड आई हैड हर्ड सो मेनी थिंग्स अबाउट लाइक गुड थिंग्स अबाउट द डॉटन की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन विद SPF 50. इसका जो फॉर्मुलेशन है ना ये काफी लाइक लाइट एंड बहुत अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब भी कर जाता है स्किन में. सो आई गॉट दिस वन एंड डॉटन की से मैंने बहुत सारी चीजें कभी भी परचेज नहीं की. आई थिंक दिस इज माई सेकेंड और लाइक थर्ड परचेज फ्रॉम डॉटन की एवर. सो ये मैंने लिया आफ्टर अ लॉट ऑफ यू नो वॉचिंग अ लॉट ऑफ रिव्यूज एंड आस्किंग फ्रेंड्स एंड फैमिली कि मैं कौन सा लूँ. एंड इट्स अ डिसेंट सनस्क्रीन, अगर आपको इतना ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है सन में तो आप इसे ले सकते हैं. लाइक अगेन आपको क्लासरूम में लगाना है, कहीं लगाना है जहाँ पर डायरेक्ट सन नहीं पड़ता तो उस चीज़ के लिए अच्छा है. अदरवाइज इफ यू गो आउट अ लॉट इट वुड बी लाइक माई पर्सनल सजेशन, गो फॉर समथिंग दैट इज मेडिकेटेड या फिर जो कि यू नो डर्मैट्स प्रिस्क्राइब करते हैं. यू कैन गो फॉर द लास्ट शील्ड वन या फिर आप डॉक्टर शेट्स वाला भी ले सकते हैं. आई विल लीव अ फ्यू लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. आई हैव बीन यूजिंग दो सनस्क्रीन्स इन 3-4 years नाउ. आई फील दैट दो सनस्क्रीन्स आर बेटर देन दिस वन. इट्स माई पर्सनल ओपिनियन बट या आप ले सकते हैं कोई भी जो आपको ठीक लगे. बट या दो सनस्क्रीन्स आर जस्ट आई फील दैट बेटर देन दीज सनस्क्रीन्स लाइक यू नो ये हो या फिर लैक्मे का सनस्क्रीन हो या. सो समर का सीजन चल रहा है एंड कलर्ड आई लाइनर्स जो है इन ट्रेंड चल रहे हैं. आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल ग्रीन कलर एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा मेरे पास ब्लू कलर भी है जो कि नेवी ब्लू कलर है. सो आई वॉन्टेड टू ट्राई लाइक डिफरेंट कलर्स एंड आई गॉट दीज टू. बहुत यू नो स्वॉचेज एंड ऑल देखने के बाद आई गॉट दीज टू बिकॉज दीज आर लाइक अनयूजुअल कलर्स एंड ये जस्ट वीडियो बनाने से जस्ट 5 मिनट्स पहले ही डिलीवर हुआ था तो मैंने ओपन भी नहीं किया एंड आई एम ओपनिंग दीज इन फ्रंट ऑफ यॉल. मतलब काफ़ी सारे स्वॉचेज देखे थे बट ऐसा होता है कभी कभी कि स्वॉचेज जो है वो लाइक स्क्रीन टू स्क्रीन डिफर करता है, लाइटिंग टू लाइटिंग डिफर करता है. सो आई एम ओपनिंग दीज इन फ्रंट ऑफ यॉल. सो आई वॉज होपिंग दैट आई गेट लाइक अ नाइस चेरी रेड कलर एंड मैंने जस्ट हर्ब से चेरी बॉम उनका लिया है एंड एक मैंने ये शो स्विस ब्यूटी से मैंने ये न्यून मुझे लिपस्टिक चाहिए था या ब्राइट पिंक लिपस्टिक चाहिए था. सो लेट्स जस्ट वॉच दिस एंड काफ़ी अफोर्डेबल थे दोनों. एक आई थिंक 200 rupees का था, दूसरा 250 something rupees का था. सो ये जो पिंक वाला है लेट्स वॉच दिस, इट लुक्स लाइक न्यून. सो This was the exact color that मुझे चाहिए था. I wanted something really fun and this is what I got. I'm really happy with the shade and this is the other one. This is called Cherry Bomb. I know that these colors are not like usual colors but I really wanted to try something different. I was very bored of using the same colors again and again. So ye hai color Cherry Bomb and let's swatch this too. ओके दिस इज ऑल्सो द एग्जैक्ट कलर दैट आई वॉन्टेड एंड ये कुछ इस टाइप से ब्राइट रेड कलर है एंड आई बी अप्लाइंग दिस ऑन माई आईज एंड शोइंग टू यू ऑल्सो. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों शेड्स जो है वो कैसे लगते हैं मुझ पे. या यू कैन सी कि दोनों मेरे आईज पे कैसे लगते हैं. एक साइड पे मैंने दूसरा कलर लगाया, दूसरे पे मैंने अलग कलर लगाया है. सो एप्लीकेशन वाइज काफ़ी अच्छे थे एंड दीज आर लाइक नॉन ट्रांसफर प्रूफ, स्मज प्रूफ भी है दोनों के दोनों आई लाइनर्स. सो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं एंड इफ यू वॉन्ट टू ट्राई फन कलर्स यू कैन ट्राई दीज टू ब्रांड्स बिकॉज इनके जो लाइक यू नो
अमाउंट है जो मैंने इनके लिए पे किया था वो वैसे तो अफोर्डेबल था, तो आप डेफिनेटली इन्हें ट्राई कर सकते हैं। सो दोज वर ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आई गॉट। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कौन सा कुर्ता जो है सबसे ज्यादा अच्छा लगा। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।